सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा, फक्त मुक्तागिरी न्यूज बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. सण असो वा उत्सव, स्त्रियांचे सौंदर्य खुलवणारे आणि सोन्यालाही लाजवेल अशी इमिटेशन ज्वेलरी फक्त शुभम इमिटेशन ज्वेलर्समध्ये उपलब्ध. एक वेळ अवश्य भेट द्या. 18,922 किमीचा विश्वविक्रम उडीत काढण्यासाठी सायकलवरून प्रवास करणारे सायकलपटू आफताब फरीदी यांचे साताऱ्यात आगमन. पाहूया सविस्तर बातमी. सातारा जिल्हा हा वीरांचा जिल्हा असून या जिल्ह्यात मातृभूमीसाठी लढणारे जवान घरटी दोन असल्याचे ऐकून प्रभावित झाले. आफताब फरीदी राखी पौर्णिमेच्या दिवशी दिल्ली येथून सायकल चालवण्याचा पूर्वीचा 18,922 किमीचा विश्वविक्रम मोडीत काढण्यासाठी निर्धार केलेला आफताब सातारा जिल्ह्यात आले होते. या कालावधीत त्यांनी 725 जिल्हे पार केले असून या प्रवासादरम्यान त्यांनी कोणत्याही जिल्ह्यात एक दिवसापेक्षा जास्त दिवस मुक्काम केला नाही. पण सातारा जिल्हा हा शिवछत्रपतींचा जिल्हा व सैनिकांचा जिल्हा असून या जिल्ह्याचा आदर सत्कार प्रेमाने 5 दिवस मिळाला म्हणून ह्या जिल्ह्यात मुक्काम केल्याचे सांगितले. तर भारताचा तिरंगा सदैव उंच जागी बघण्यास मिळो ही सदिच्छा त्यांनी व्यक्त केली. इस राइड की शुरुआत में 26 अगस्त रक्षाबंधन से स्टार्ट की. रक्षाबंधन आपके जहन में एक तस्वीर बन जाती है कि जिसके पैरों में बूट है, सर पे हेलमेट पे और हाथ में AK-47 से आपकी सरहद पे, आपकी चौकी पे और आपकी सरहदों पे एक सेफ्टी सिक्योरिटी प्रदान करता है एक जवान. तो ये सब मैं कर रहा हूँ अपने देश के सैनिकों के सम्मान के लिए. इसके साथ में एक बड़ा लक्ष्य लेके चल रहा हूँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड सिंगल कंट्री लॉन्गेस्ट साइकिल डिस्टेंस जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया के बेल्जियन मोडिन के पास था. उन्होंने एक कंट्री में सबसे ज्यादा दूरी तय करने का वो रिकॉर्ड बनाया हुआ था जिनका किलोमीटर है 18,922 किलोमीटर. मैं अब तक 24 स्टेट क्रॉस कर चुका हूँ, 22,700 किलोमीटर चला के वर्ल्ड रैंक नंबर 1 हो गया हूँ अनऑफिशियली. ऑफिशियल जब होगा जब मैं सबमिट कर दूंगा. ये मैं जर्नी कर रहा हूँ 29 स्टेट 725 डिस्ट्रिक्ट कवर करूंगा और आज मैं महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा तो ये काफी तारीफ है यहाँ के लोग. मतलब सतारा एक है जो वीरों की भूमि कहलाती है. यहाँ के जो लोग है, आवाम है, मतलब ये जो शख्स है जो मेरे सामने इन्होंने बढ़ चढ़ के इससे लिया. जब मैं हाईवे से क्रॉस होके जा रहा था तो सबसे पहले उन्होंने देखा, मुझे रोका, ये क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. तो मैंने बोला कि अपने देश के सैनिकों के सम्मान के लिए मैं साइकिल चला रहा हूँ. बोला क्यों कर रहे हो. मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड में देश के नाम लिखाना चाहता हूँ, अपने देश का झंडा सबसे ऊपर लहराता हुआ देखना चाहता हूँ. जो आप सबका सपना है हमारा सपना है तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ. तो बोले कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं. मैंने बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, रहने की जगह नहीं है. बोले क्यों, आप पूरा देश घूम रहे हो, आपके पास पैसा क्यों नहीं है. तो मैंने अपनी सिचुएशन बताई बिकॉज गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट किया, स्पॉन्सर नहीं मिला, आई हैव नो मनी. तो ये लोग बचे अपने, ये लोग अपने घर लेके आए, खाना खिलाया. और सतारा ही एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं 5 दिन तक रहा, इससे पहले कोई सी डिस्ट्रिक्ट में 5 दिन से ज्यादा नहीं रहा. तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे हिस्ट्री बताया कि जो सतारा एक धरती है जो वीरों की भूमि कहलाती है, यहाँ हर एक घर में कम से कम 2 जवान है और यहाँ की हर एक माँ का सपना होता है मेरा जो बच्चा जवान है, आज का वीर कल का जवान जो बनेगा. मैं इस धरती के, मैंने कई सारे युवाओं से पूछा कि आप क्या बनोगे, इसके बाद बोले कि एक ही चीज़ है, मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है, अपने देश के लिए कुछ करना है. देश ने बहुत कुछ दिया हमें देने के लिए, इस बार हमारी बारी है देश को कुछ देने के लिए. तो मैं यहाँ पे शुक्रगुजार हूँ यहाँ पे तहे दिल से. अब तक मैं 22,700 किलोमीटर चला चुका हूँ. अगला स्टेट मेरा होगा गुजरात, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली. में 15 जून को अपनी राइड का समापन करूंगा इंडिया गेट दिल्ली पे. 15 जून को मेरा बर्थडे आता है, अपना पुनर्जन्म करूंगा आप लोगों के सपोर्ट की वजह से. और सतारा की धरती का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और थैंक यू सो मच. जय हिंद.